हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आपको पतले कॉटन के ऊपर फैब्रिक कलर करने की टेक्निक बता रही हूँ। ये अपने कपड़े को टाई कर लीजिए, कोई उसके ऊपर कोई डिज़ाइन बनाइए, और फिर मैं फ्री हैंड कर रही हूँ। और फिर उसके बाद आप उसमें वाटर, मैं प्लेन वाटर ले ली हूँ, प्लेन वाटर को आप पूरे डिज़ाइन में आप स्प्रेड कर दीजिए। अब आप जब लगा दें उसके बाद आप कैसे आप इसमें कलर अप्लाई करिए, और ये ध्यान रखिए कि कलर आपके बहुत थिक ना रहे, और कलर आप सेंटर से ही अप्लाई करें। सेंटर से ही आप कलर लगाना स्टार्ट करेंगे, तो देखिए कितने अच्छे तरीके से वो पूरा स्प्रेड ब्लेंड होगा, स्प्रेड होगा, और जहाँ जहाँ आपका पानी गया होगा वहाँ वहाँ पूरे अच्छे तरीके से स्प्रेड हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिए, कलर हमेशा आप अंदर से लगाइए, बहुत अच्छे दो कलर्स की ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होती है। अंदर से बाहर की तरफ आप हमेशा कलर वैसे ही अप्लाई करिए। पूरा ये वाटर पूरा एक फ्लावर का इफेक्ट आ गया है, पूरा फ्लावर का इफेक्ट आ जाएगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट स्टाइल का रहता है। बिल्कुल जैसा आपका फैब्रिक पतला है वैसा ही पतला ये रहेगा, बिल्कुल थिकनेस नहीं रहेगी। और जैसा आप सामने प्रिंट कर रहे हैं, फ्रंट साइड प्रिंट कर रहे हैं, वैसा ही बिल्कुल पीछे प्रिंट होगा। और करने के बाद आप इसको जब वो सूख, आप उसको ड्रायर यूज़ कर सकते हैं, ड्रायर से आप सुखाइए। जब आपका अच्छे से सूख जाए तो फिर आप इस पर आउटलाइन कर सकते हैं। चाहे तो आप अपने अकॉर्डिंग आप ब्लैक कलर यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप सेम कलर जैसे मैंने क्रिम्सन लिया है, क्रिम्सन लेके आप इसका पूरा फ्लावर का लुक दे दीजिए, तो उससे फ्लावर बहुत क्लियर दिखेगा। आप इसमें 3D आउटलाइनर या हाइलाइटर्स जो कि गोल्डन या रेड सिल्वर आते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, इसको मैंने लीफ का इफेक्ट दिया है। लीफ जैसे ही आप पानी लगाइए, पतला वाटर, प्लेन वाटर लगाइए, और फिर कलर आप अप्लाई करिए। दो कलर्स की ब्लेंडिंग आप कर सकते हैं। ये ध्यान रखिए, आपको सेंटर से ही कलरिंग स्टार्ट करनी है, सेंटर में ही कलर लगाना है, उसके बाद वो अपने आप ही स्प्रेड हो जाएगा। और देखिए इस तरीके से आप थोड़ा नहीं स्प्रेड हो रहा है, थोड़ा सा पानी लगा के आप उसको स्प्रेड कर सकते हैं। फिर आप लीफ अगेन वैसे ही, जैसे हमने फ्लावर में किया था वैसे ही आप इसको अगेन ड्रायर से सुखाइए, और जिस कलर से आप चाहें उस कलर से आप कलरिंग उसका सॉरी उसका आउटलाइन कर सकती हैं। बिल्कुल नेचुरल लुक आपको आपका लगेगा इसमें। ये ध्यान रखिए कि आउटलाइन आपको पूरा सूखने के बाद ही करना है। यदि वो बिना आप गीले में ही कर देंगे तो ये भी वैसा ही ब्लॉट हो जाएगा, इसलिए कलर फैल जाएगा। इसलिए ये ध्यान रखिए, आउटलाइन करते वक्त आपकी लीफ या जो भी आपकी डिज़ाइन है पूरी सूखी होनी चाहिए। इसे पूरी भी जो भी आप जिस पे पेंट कर रहे हैं आप पूरा वैसे ही पेंट करिए। ये वीडियो मेरा आप एंड तक देखिए, देखिए कितना सुंदर स्ट्रोल बन के आया है। आप इस टेक्निक से कोई साड़ी बट ये ध्यान रखिए कॉटन की होनी चाहिए, अपना स्ट्रोल हैंकीज आप पेंट कर सकते हैं, बट उनका स्टार्च आप वॉश करके पहले निकाल दीजिए, उसके बाद करिए। सॉरी, मुझे समझ में आया, मेरा इसमें किसी कारण से टेक्निकल प्रॉब्लम से कुछ ऑडियो ठीक नहीं आ रहा है, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। बट अब नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूँगी कि मैं साथ के साथ ही रिकॉर्डिंग करती जाऊँ। यदि आपको मेरा वर्क अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाना मत भूलिए, ताकि मैं अपने जो भी चीज़ें बनाऊँ मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। कमेंट्स ज़रूर लिखिए, और यदि आपने कोई चीज़ बनाई है तो आप वो भी मुझे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मेरा पेज है फेसबुक पे इसी नाम से, मेरा एक पेज भी है इंस्टा पे भी, मेरा इसी नाम से एक पेज है। आप मुझे वहाँ पे भी अपने थॉट्स शेयर कर सकते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा यदि आप इस चीज़ ऐसा ट्राई करके कुछ चीज़ अपने लिए यूज़फुल बनाते हैं तो।